बैटल के खत्म होने के बाद रेडिएंट प्रोस्पेरिटी वॉलमार्ट के चोरी के बारे में इंफॉर्मेशन अनकवर करते हैं। जैंगी येलू रेसिडेंशियल एरिया में उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने गाओ युआन के सैटेलाइट सिग्नल को भी लोकेट कर लिया था, जो कुछ दिनों से मिसिंग था। वेस्ट माउंटेन एरिया और हेरोन्स रिवर डिस्ट्रिक्ट के बीच में ज्वी क्विंटन अपने ग्लासेस ठीक करते हुए कहता है, हेवनली सी सिटी में लाक मैनोर एक टॉप एफ्लुएंट एरिया है और सू फैमिली टाउन में हजारों लोग हैं। जो फोर्स वेस्ट माउंटेन बेस से लड़ रहा था वो यहीं से आया था। जिया होंगलियान कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है, ये फोर्स का उनसे उतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी, तो फिर उन्होंने उतना बड़ा हमला क्यों किया और गाओ युआन का सिग्नल कुछ देर के लिए गायब क्यों हुआ था? ये सब कुछ बहुत शक पैदा कर रहा है, जैसे कोई इसे प्लान कर रहा था। मुझे लगता है हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को भेजना चाहिए। इस पर क्विंटिन कहता है, क्या हम मॉर्निंग ड्यू से कुछ लोगों को बुला लें? अगर हम दोनों के लोग मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जियाओ मना करती है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमें अब भी नहीं पता कि ये मिस्टीरियस फोर्स कितना बड़ा है, पर ये फैक्ट कि वो बहुत समय तक वेस्ट माउंटेन बेस से फाइट कर रहे थे, ये दर्शाता है कि वो लोग वेस्ट माउंटेन बेस जितना या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो वेस्ट माउंटेन बेस को हरा पाए, इसका मतलब ये भी है कि वो अब थोड़ा कमजोर हो गए होंगे। अगर हम अभी उन पर अटैक करते हैं तो शायद उन्हें हरा पाएंगे। क्विंटिन थोड़ा अजीब फील कर रहा था, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। उन्होंने हमारे दो टीम्स को हराया है जिनमें म्यूटेंट्स थे। मुझे लगता है अकेले काम करना सही डिसीजन नहीं रहेगा। अपने बड़े कजन के बारे में सोचते हुए जियाओ कहती है, भले ही गाओ युआन एक म्यूटेंट था लेकिन सभी उसे मेरी वजह से रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन असल में वो बहुत वीक था। इस बार हम डोंग हू को भेजेंगे, मुझे भरोसा है वो सब हैंडल कर लेगा। वो वे दिंग हाई के बारे में रिफर करती है और कहती है, उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी मत बताना, वो बहुत चालाक है। अगर उसे हमारी जरूरत नहीं होती तो वो हमसे इतने अच्छे से पेश नहीं आता। क्विंटिन देखता है कि उसकी लीडर मन बना चुकी है। वो बिना कुछ कहे एक सोल्जर से डोंग हू को बुलाने कहता है। दूसरी तरफ सेलेशियल ट्रिब्यूट डिस्ट्रिक्ट वॉर के बाद पूरे स्नो वर्शिप सेक्ट के हेडक्वार्टर में केओस फैल गया था और चारों तरफ लाशें थी। जिंगी जियान का लेफ्ट आर्म इंजर्ड हो चुका था। वो काफी डरा हुआ था क्योंकि उन पर दो फोर्सेस ने मिलकर अटैक किया था। हैंग चैंग और बाकी सभी उसे चिंता करते हुए देखते हैं। जिंग खुद के आर्म को कपड़े से बांधता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं लीडर से जाकर खुद को हील करवा लूंगा, यहाँ सब कुछ तुम संभालो। बैटल फील्ड में सब कुछ शांत होने के बाद कुछ सर्वाइवर्स अब भी खोए हुए थे। फिर वो अपने सामने बहुत से डेड बॉडीज को देखते हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ था। फिर उन्हें अपने ही जख्मों का दर्द महसूस होने लगता है। सभी जमीन पर बैठकर दर्द में चिल्लाने लगते हैं। नंस चर्च से बाहर आते हैं और सभी को फर्स्ट एड देते हैं। एक सोल्जर जिसका आर्म डिस्ट्रॉय हो गया था वो मदद के लिए चिल्लाता है, प्लीज मेरे आर्म को ठीक कर दो, मैं अब तक मरा नहीं हूँ। एक नन उसे देखकर रोने लगती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है, अब तुम इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे, तुम्हें अब दूसरी दुनिया में जाकर भगवान की सेवा करनी होगी। फिर वो एक छोटा सा नाइफ निकालकर उसका गला तुरंत काट देती है और कहती है, मैं खुश हूँ कि अब तुम भगवान से जल्दी मिल पाओगे। वो जानती थी ऐसे वेदर में ज्यादा जख्मी लोग वैसे भी जिंदा नहीं बच पाएंगे और स्नो वर्शिप सेक्ट के पास उन्हें ट्रीट करने के लिए ज्यादा मेडिसिन भी नहीं है। उन्हें ऐसे मारना तो बहुत क्रूएल था, लेकिन ऐसा दिखाना कि ये भगवान के लिए है, ये थोड़ा जेंटल लगता है। वहीं हैंग चैन सब कुछ अरेंज कर रहा था सभी जख्मी को ट्रीटमेंट देने के लिए। जाओ और डेड बॉडीज को भी ले जाओ, कुछ भी वेस्ट मत करो, उन्हें बगल के अबैंडन बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट कर दो। फॉलोवर्स सभी बॉडीज को उस बिल्डिंग के एंट्रेंस तक ले जाते हैं। फिर हान चांग अनाउंस करता है कि ये एक सैक्रेट प्लेस है, यहाँ सिर्फ लीडर और प्रीस्ट ही आ सकते हैं,
सभी के जाने के बाद वहां अजीब से ग्रीन वाइंस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और सभी बॉडीज को घेर लेते हैं और अगले ही पल सभी बॉडीज को अंदर ले जाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं सभी डेड बॉडीज को जिन्हें वो ग्रीन वाइंस घेर लेते हैं और ककून की तरह बना देते हैं। वो उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, वो सभी को बिल्डिंग के सीलिंग में लटका देते हैं और वहाँ रेड मिस्ट फैलने लगता है और उन ककून से रेड एप्पल्स बनकर निकलते हैं। वहीं हैंग चैंग बिल्डिंग के बाहर एक ऊंची जगह पर खड़ा था और हाथ जोड़कर प्रे कर रहा था कि अब ये मरे हुए दूसरे के जीने की उम्मीद बनेंगे, उनका फ्लैश हमारा निर्भरता। वहीं युआन कोंगिया ग्रेस सेरेमनी कंडक्ट कर रही थी, उसे बाहर क्या हो रहा था कुछ भी पता नहीं था। सारे नए लोग युआन कोंगिया के मिरेकल्स को देखने के बाद स्नो वर्शिप सेक्ट के मेंबर्स बनने के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो चुके थे। सेरेमनी के दौरान कुछ बच्चे रुके हुए थे, युआन कोंगिया उन्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी और तभी कहती है, मेरे पास आओ बच्चों। वो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, वो नहीं जानते थे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा है। वहीं उनके पेरेंट्स पीछे से उन्हें चीयर करते हैं, आगे बढ़ो, लीडर तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। उनके लिए स्नो वर्शिप सेक्ट का क्वालिफाइड सिटीजन बनने के लिए ये करवाना जरूरी था। युआन एक लड़के को अल्टर पर लेटने कहती है और उसके सर पर अपना राइट हैंड रखती है। वो लड़का बहुत वीक फील करने लगता है। युआन उससे कहती है, डरना मत बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शैतान है जिसे मैं आज मारने वाली हूँ। उसके फेस पर एक जेंटल स्माइल था पर उसके हाथ में एक नाइफ था और वो बच्चा बहुत डर चुका था, लेकिन वो सिर्फ देख सकता था क्योंकि उसका बॉडी पैरालाइज हो चुका था, वो चिल्ला भी नहीं सकता था। तभी युवान उसे बेरहमी से उसके पेट में डैगर स्टैब कर देती है और वो बच्चा धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। फिर युआन उसके जख्म पर अपना हाथ रखती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उस बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और युआन को थैंक्स करने लगते हैं कि आपने उसके अंदर के शैतान को खत्म कर दिया। युआन कहती है, चिंता मत करो, अब ये और बदमाशी नहीं करेगा। वहीं ये सब देखकर बाकी दो बच्चे बहुत डर चुके थे, असल में उन्हें जख्म दिया जा रहा था और वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो डर कर भागने की कोशिश भी करते हैं पर उनके पेरेंट्स रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और समझाते हैं, लीडर ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। उन बच्चों के लिए अब उनके पेरेंट्स ही शैतान बन चुके थे। वो बच्चों को उठाकर लीडर की तरफ ले जाते हैं। युआन उन बच्चों को देख कर बहुत खुश थी और कहती है, अब किसकी बारी है। वो पेरेंट्स बहुत खुश थे कि लीडर उनके बच्चों को ठीक कर रही है। इसी तरह ग्रेस सेरेमनी खत्म हो जाता है और सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी जिंगी जियान युआन के पास आता है। युआन उसके इंजर्ड आर्म को देखकर बहुत घबरा जाती है और कहती है, तुम्हें इंजर्ड कौन कर सकता है, और फिर उसके आर्म को हील करने लगती है। जिंग उससे कहता है, लीडर आपने आज बहुत सारे ब्लेसिंग परफॉर्म किए हैं, मेरा जख्म सीरियस नहीं है, ये आप कल भी कर सकती हैं। युआन हंसती है और कहती है, तो बताओ हम पर अटैक किसने किया था। फिर जिंग बताता है, वो जियाओ होंगलियन और वेडिंग हाई थे, दोनों मिल चुके हैं। ये सुनकर युआन बहुत हैरान हो जाती है, अगर वो साथ हो चुके हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर जिंग सारी बात एक्सप्लेन करता है। सारी बात जानने के बाद युआन कहती है, हेवनली सी सिटी में एक मिस्टीरियस पावरफुल फोर्स है, शायद वही वेस्ट माउंटेन बेस के डाउनफॉल के पीछे का कारण होंगे। जिंग बताता है, इस फोर्स का कनेक्शन एक आदमी जिसका नाम शेंगी है उसके साथ है। हमें इस आदमी के बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन मिला था और अब मुझे लगता है ये जेंगी कोई आम आदमी नहीं है, वो एक म्यूटेंट होगा और आम म्यूटेंट से भी ज्यादा पावरफुल होगा, नहीं तो वो अकेले ही वेस्ट माउंटेन बेस को कैसे हरा पाता। इस पर युआन कहती है, पर ये इंफॉर्मेशन भी है कि वेस्ट माउंटेन बेस पर रिवरसाइड डोमेन ने डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया था। फिर जिंग कहता है, वो मिसाइल अटैक एक डायरेक्ट कॉज हो सकता है, लेकिन वो जेंगी से भी रिलेटेड होगा। मुझे लगता है हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, नहीं तो वो अब तक जिंदा नहीं रह पाता। और जो पिछले महीने हमें इन्फॉर्मेशन मिले उसके हिसाब से जेंगी वॉलमार्ट की चोरी में शामिल था, जो बिलियन डॉलर का था।
ये जानकर युआन इंटरेस्टेड हो जाती है और कहती है, तब तो इसे देखना ही पड़ेगा। इस पर जिंग कहता है, अगर ये सारी बातें सच है तो हमें उसके साथ हाथ मिला लेना चाहिए। दूसरे बेसेस से फाइट करने के लिए हेवनली सी सिटी के रिसोर्सेस को 4 मेजर बेसेस ने डिवाइड कर लिया है। भले ही हम ब्लड वाइन पर जिंदा हैं, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जैसे आज के लड़ाई में जब 2 बेसिस मिल गए तो हम उन्हें रोक भी नहीं पाए। आज हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो स्नो वॉरशिप सेक्ट खत्म हो जाता। हमें किसी के साथ दोस्ती करनी होगी और जेंगी के फोर्स के साथ मुझे ये सही लग रहा है। थोड़ा सोचकर युएन कहती है, तुम सही कह रहे हो। हमारे करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि हमें कोई भी फोर्स खत्म कर सकता है। मुझे डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए, और अगर उसके पास दूसरे बेसिस से फाइट करने का पावर है और अगर हम उससे दोस्ती कर सकते हैं तो हेवनली सी सिटी में पावर डायनामिक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वहीं मेडिकल रूम में जेंगी गाओ युएन से मिले स्टिमुलेंट का एनालिसिस करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जेंगी हैरान था कि उससे नॉर्मल लोगों को भी म्यूटेंट जितना स्ट्रेंथ मिल जाता है। जो माइक्रोस्कोप में उसे एनालाइज कर रही थी, फिर वो जेंगी को बताती है, ये स्टिमुलेंट बहुत पावरफुल है। ये एक मिलिट्री लेवल स्टिमुलेंट है। ये इंसान के बॉडी फंक्शन को शॉर्ट टर्म के लिए इनहेंस कर सकता है, जिससे वो 3 दिन और रात बिना सोए रह सकते हैं। मैंने ऐसे ड्रग के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन इफेक्ट्स के मामले में ये मेरे बनाए स्टिमुलेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका साइड इफेक्ट हर कोई नहीं झेल सकता। ये ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर देता है, जिससे बॉडी का एनर्जी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। लेकिन इसका बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये मसल को पावरलेस बना देता है। इफेक्ट के खत्म होने के बाद फिजिकल लेवर वाले लोग 1 महीने में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रहते हैं वो तुरंत ही मर जाएंगे। ये जानने के बाद जेंगी कहता है, ये बात सही है कि फ्री का कुछ भी नहीं होता। एक ड्रग जो इंसान को पावरफुल बनाए, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के, ये नामुमकिन है। इस पर जो कहती है, ऐसा शायद हो सकता है। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, मैंने सुना था कि मिलिट्री ऐसे ड्रग बनाने में लगे हुए थे और उन्हें कोई रास्ता मिल भी गया था। ऐसा कहा गया था कि उन्होंने साइड इफेक्ट्स को बहुत लो लेवल पर कर दिया था, लेकिन उसका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा था और ये स्मॉल क्वांटिटीज में ही हाई लेवल मिलिट्री यूनिट्स में इक्विप्ड हो सकते थे। इस पर जेंगी कहता है, अब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में नॉर्मल लोगों से भी मिलने पर हमें संभल कर रहना पड़ेगा। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो अपने ग्लव्स उतारने लगती है, तभी जेंगी कहता है, जो क्या तुम्हें याद है जो रैट पॉइजन हमने रेसिडेंशियल एरिया में यूज किया था? जो बहुत क्यूरियस होकर उसे देखती है और कहती है, तुम्हें अभी तक वो याद है? जेंगी हंसता है और कहता है, उसे रखना सही होगा, वो कभी भी काम आ सकता है। तुमने कहा था उसका लीथल डोज 0.1 ग्राम्स का है, क्या होगा अगर हम इसे और भी कम डोज में दे तो? जो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेंगी क्या करना चाहता है, लेकिन वो जवाब देती है, अगर हम बहुत कम यूज करें तो ह्यूमन बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम उसे एलिमिनेट कर सकता है, पर अगर डोसेज को मेंटेन किया जाए 5% के अराउंड, जब किडनी उसे पूरी तरह से क्लियर ना कर पाए, तो ये बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है, पर तुरंत मारता भी नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली इंजेस्टेड होता रहा तो ऑर्गन्स फेल कर जाएंगे और मौत हो जाएगी। करंट वर्ल्ड सिनेरियो को सोचते हुए जो कहती है, अब मेडिकल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुका है और लोगों का रेजिस्टेंस भी वीक हो चुका है, इसीलिए ऐसे इन्वॉल्वमेंट में ये ड्रग इंजेस्ट करना बहुत खतरनाक होगा। फिर जो पूछती है, क्या हमारे घर पर रैट्स हैं? फिर जेंगी कहता है, हमारे घर पर फ्लावर है तो टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर बहुत से रैट्स हैं। वहीं शू फैमिली टाउन में कुछ स्टूडेंट्स आग सेक रहे थे। वो आग ज्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि फ्यूल की कमी हो रही थी। तभी वू चिन कहता है, ये बहुत शर्मनाक है कि हमें ऐसे रहना पड़ता है। उसके बगल वाला लड़का कहता है, अगर मुझे पता होता यहाँ सब कुछ ऐसे होने वाला है
तो मैं वेस्ट माउंटेन बेस में ही रहता। भले ही पैडल करते हुए मैं थक जाता, लेकिन भूखा और ठंड में नहीं रहता। और मेरी मरने की वजह ठंड नहीं होती। इस पर सैकियन उनसे कहता है, बकवास करना बंद करो, टीचर लियांग ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया था। तुम्हें तो उनका एहसान मानना चाहिए, लेकिन तुम उनकी बुराई कर रहे हो। तुम्हें एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में नहीं भेजा गया था। अगर तुम वहां जाते तो तुम्हें समझ आ जाता कि इससे भी बुरा क्या होता है। और तुम्हें पता भी नहीं तुम वहां रोज क्या खाते थे। वो प्रोटीन सॉल्यूशन ह्यूमन बॉडी से बनाया जाता था। सैकियन लियांग यू के हेल्प के लिए बहुत ग्रेटफुल था। जो दर्द उसने एक्सपेरिमेंट में सहा था वो वहाँ कोई भी नहीं समझ सकता था, इसीलिए वो खुश था। सैकियन की बात सुनकर स्टूडेंट्स फिर भी थोड़ी बहुत कंप्लेन करते हैं, हम तो बस बात कर रहे थे। टीचर लियांग यू हमारे लिए फाइट कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है। एक स्टूडेंट कहता है, भूल जाओ, अब वो जेंगी की हो चुकी है, शायद इसके लिए उसने अपना शरीर बेचा हो। हमें लियांग यू के सीरियस पर्सनैलिटी से धोखा नहीं खाना चाहिए। मुझे लगता है वो सीक्रेटिव है और बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाने वाली। वो बात कर ही रहे थे और तभी वहाँ लियांग यू आ जाती है। सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। टीचर लियांग, आप आ गई, हमने आपको बहुत मिस किया। लियांग यू खाना रख देती है और वॉर्न करती है कि संभल कर रहना, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, फिशिंग करने के बाद सेलर में ही रहना। तभी वू चिन कहता है, टीचर लियांग, अगर खतरा बढ़ गया है तो हमें शेल्टर में क्यों नहीं ले जाती, वो तो सबसे सेफ जगह है। अदर स्टूडेंट्स भी उसके साथ रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर लियांग यू उन्हें इग्नोर करते हुए वापस चली जाती है। फिर वू चिन कहता है, ये औरत अब बहुत बदल चुकी है। फिर वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है और सभी खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। वहीं दोनों मेजर फोर्सेस उस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगे थे। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी को लीड मिल गई थी कि वो फोर्स लाक मैनर और सू फैमिली टाउन में कहीं है, क्योंकि जेंगी ने ये प्लान किया था और गाओ युआन के सैटेलाइट फोन को सू फैमिली टाउन में प्लेस कर दिया था। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी ने डोंग हू को भेजा था, जिसे फ्लेम फिस्ट भी कहा जाता था। अपोकलिप्स से पहले डोंग हू एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हुआ करता था। वो बहुत से मार्शल आर्ट्स और शूटिंग स्किल में माहिर था और पावर्स अवे करने के बाद वो जियाओ होंग लियान का केपेबल सबॉर्डिनेट बन गया। उसे इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि वो बहुत मैच्योर भी था। जेंगी का स्ट्रेंथ अब तक उनके सामने क्लियर नहीं था, तो मिशन का मेन पर्पस यही जानना था। डोंग हू कॉशियस था, वो सभी को हेरन रिवर के थोड़ा दूर ही रुकने कहता है और सभी को पैदल चलने कहता है। उनके मॉडिफाइड स्नो व्हीकल बहुत शोर करते थे। डोंग हू आइस फोर्ट्रेस को देखकर बहुत हैरान था कि कोई इतना बड़ा वॉल कैसे बना सकता है। डोंग हू समझ गया था कि नॉर्मल वेपन से ऐसे वॉल को तोड़ना नामुमकिन है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये फोर्स वेस्ट माउंटेन बेस को महीने तक कैसे झेल पाया था। वो अपने सोल्जर्स को वॉर्न करता है, संभल कर रहना, दुश्मन चालाक है, एक गलती भी हम पर भारी पड़ सकती है। सभी सोल्जर्स भी ये समझते थे। डोंग हू सिग्नल ट्रैक करता है और फिर सू फैमिली टाउन पहुंच जाता है। वो एक सोल्जर को बुलाता है और उसे आगे भेजता है। वो सोल्जर तुरंत विलेज में जाता है। अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। उसे लगता है कि अगर यहां आर्म्ड फोर्सेस होते तो गार्ड्स भी होते। वो रिलैक्स हो जाता है कि यहां कोई भी दुश्मन नहीं है और वापस जाकर रिपोर्ट करता है कि मैंने विलेज में किसी भी इंसान को नहीं देखा और कोई भी गार्ड पेट्रोल का साइन नहीं था। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी फोर्सेस हैं। ये सुनकर डोंग हू हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस फोर्स ने वेस्ट माउंटेन बेस को हराया उसका डिफेंस इतना वीक नहीं हो सकता। फिर फोर्ट्रेस के बारे में सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि रियल फोर्स उस डिफेंस लाइन के पीछे हो सकता है, लेकिन सिग्नल का सोर्स यहाँ क्यों है, क्या ये कोई ट्रैप है। पर अब जब वो यहाँ तक आ ही गए हैं तो उन्हें कुछ इंटेलिजेंस गैदर करना होगा। डोंग हू और उसका टीम
स्टूडेंट्स के रह रहे जगह को ढूंढ लेते हैं। वो लोग वहां सो रहे थे और सिग्नल का सोर्स भी वही जगह था। डोंग हु उन स्टूडेंट्स को इंटरोगेशन के लिए पकड़ने कहता है। सैकियन, जिसके इंस्टिंक्ट्स शार्प थे, वो तुरंत उठ जाता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तभी एक सोल्जर उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, शांत हो जाओ वरना मारे जाओगे। सैकियन बहुत हैरान था क्योंकि वो खुद एक एनहांस्ड ह्यूमन था, उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा था। वो खुद को फ्री करता है और उस सोल्जर को किक मारकर पीछे कर देता है। ये देखकर डोंग हु चौंक जाता है और सोचता है, क्या ये एक म्यूटेंट है? सैकियन जानता था कि वो इनका सामना नहीं कर पाएगा और भागने की कोशिश करता है, पर डोंग हु तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता है। सैकियन पूरी ताकत से उसे पंच मारने वाला था, लेकिन उससे पहले डोंग हु उसके पेट में पंच कर देता है। इससे सैकियन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर डोंग हु उससे कहता है, तुम खुद को ज्यादा तेज समझ रहे थे? और फिर सभी को पकड़ने का ऑर्डर देता है कि लीडर इनके साथ क्या करना है ये डिसाइड करेगी। वहीं शेल्टर के अंदर जेंगी को नोटिफिकेशन आता है। उसने शिनशिन की हेल्प से सैटेलाइट फोन में जीपीएस लगा दिया था, जिससे उसे रियल टाइम लोकेशन का पता चल जाता। ऐसे में जेंगी को पता चल जाता अगर कोई फोन कहीं ले जाए, और उसे लोकेशन का भी पता चल जाएगा। जेंगी खिड़की से सू फैमिली टाउन की तरफ देखता है। जैसे मैंने सोचा था, वो आ गए। वेस्ट माउंटेन बेस के आर्मरी को खाली करने के बाद जेंगी अपने डिफेंस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। अब जब उसके सारे वेपन्स डिफेंस लाइन पर लग चुके थे, उसके अंदर से डर खत्म हो चुका था। वो जानता था वो एक साथ दो फोर्सेस को भी रोक सकता है। फिर वो शिनशिन के पास जाता है, जो कंट्रोल रूम में रहती थी, क्योंकि उसका मेन काम शेल्टर के नेटवर्क को सिक्योर रखना था, इसीलिए वो ज्यादातर टाइम वहीं रहती थी। वेस्ट माउंटेन बेस के साथ बैटल के बाद उन्हें इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस समझ आ चुका था। जेंगी उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, जिस सैटेलाइट फोन का डेटा मैंने तुम्हें पता करने दिया, वो काम कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट पता चला? फिर शिनशिन उसे बताती है, ये लोग बहुत कॉशियस हैं। लगता है ये रोज अपने फोन के यूसेज रिकॉर्ड को क्लियर करते हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन चैट रिकॉर्ड से मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि जिसे तुमने मारा उसका नाम गाओ युआन था, एक म्यूटेंट, और शिया होंग लियान का वो कजन था जो रेडिएंट प्रोस्पेरिटी की लीडर है। ये जानकर जेंगी थोड़ा घबरा जाता है कि मैंने लीडर के भाई को मार दिया, अब ये आसानी से शांत नहीं होगा। इस पर शिनशिन हंसती है और कहती है, वो उसका कजन था, कोई अपना भाई नहीं, उसका रिश्ता उतना भी क्लोज नहीं होगा। शिनशिन कंप्यूटर पर काम करने लगती है और बताती है, चैट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रेडियन प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू बहुत बातचीत करते हैं, इसके हिसाब से वो अपने फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दोनों मिलकर हम पर अटैक करने आ सकते हैं। जेंगी शांत ही रहता है और कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा था, वर्स्ट आउटकम यही हो सकता है, लेकिन वेस्ट माउंटेन बेस के साथ फाइट करने के बाद मैं अब इन सो कॉल्ड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से नहीं डरता हूँ। ये सब बस एक ग्रुप है जो ऐसे सिचुएशन में पावर हासिल कर चुके हैं, और कुछ भी नहीं। उनके पास कोई खतरनाक वेपन भी नहीं है, तुम मेरे लिए वो कोई खतरा नहीं है। फिर जेंगी बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, वैसे भी मैं उनसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और तभी उन्हें समझ आएगा कि वेस्ट माउंटेन बेस का टेरिटरी मेरा है, और मैं उन्हें मेरे शांत लाइफ को खराब करने नहीं दूंगा। तभी शिनशिन उसे बताती है, जेंगी, उनके चैट रिकॉर्ड से मुझे स्नो वर्शिप सेक्ट के बारे में भी पता चला है, मेरे हिसाब से उनका स्नो वर्शिप सेक्ट के साथ फाइट हो रहा है। इस पर जेंगी कहता है, क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं स्नो वर्शिप सेक्ट के साथ मिलकर उनका सामना करूं? जेंगी के नजरों में स्नो वर्शिप सेक्ट वाले कुछ खास नहीं थे, वो लोगों के इमोशन का फायदा उठा रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर शिनशिन कहती है कि अगर हमारे पास एक दुश्मन की जगह दोस्त रहे तो वो अच्छा रहेगा। फिर जेंगी कहता है, ऐसा नहीं है, एक अच्छा दोस्त जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो
वो दुश्मन से भी खतरनाक होता है। और फिर कहता है, लेकिन अगर उसके पास कोई यूटिलिटी हो तो मैं उनका फायदा जरूर उठाना चाहूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।